गाइस वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो जिस पे आज हम रिएक्ट करेंगे गाइस। उस वीडियो का नाम है जॉइन माय वेजिटेबल वाइफ एंड आई करेंगे व्हाई मुस्लिम सेलिब्रेट बकरीद और मे बी यू कैन से स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम। आई नो वेरी वेल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिएक्टेड इन दिस वीडियो आई नो, बट मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची नहीं सॉरी वाइफ, ओह माय गॉड व्हाट आई जस्ट अडॉप्ट किए शादी किए शादी ओके okay. इसको नहीं पता होगा सो विल लेट नो एंड वाइफ एंड और ऑब्वियसली दिस इज भी मत बोलो एंड ऑब्वियसली ये वीडियो है जिसकी हम अभी प्रॉफिट वाली वीडियो देख रहे थे, बट द थिंग इज उस चीज को हम कंटिन्यू अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज उन्होंने खुद अभी अपलोड नहीं करी आगे की वीडियोस, तो जब वो अपलोड करेंगी तो हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन विल बी रिएक्टिंग हर इस्लामिक वीडियोस ओके। सो या सब्सक्राइब टू हर एंड लेट्स सी। तुझे पता है वैसे रीजन क्यों मनाते हैं बकरीद? आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विज़डम क्या है। हजारों साल पहले यार क्या तो वही चीज ये तरीके से जिससे समझाते हैं ना, ये मुझे लगा लड़कों की ध्रुव लड़कियों की ध्रुव राठी है राइट पाकिस्तान की ध्रुव राठी लड़कियों की नहीं इंडियन है ब्रो ये नहीं इंडिया में नहीं है ये भारत है ऑस्ट्रेलिया की है सो ये सबकी है सब सब सबके लिए बराबर है बोर्न इंडिया से मैं आई डोंट नो पता नहीं मैंने से बोला बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगम्बर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो उसे अल्लाह की राह में ओके ओके अच्छा वो बकरी बकरे होता है उनका बकरे तो उनका बेटा होता है ओ सॉरी 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 हाँ हाँ बाद में वो है ना बकरे को वो कुर्बान करने के रेडी होता है बट जब कुर्बान कर देता है उसको पता चलता है बकरा है तो कुछ और थी यार लिसन ऑन कर दीजिए लिसन लिसन मुझे याद आ रहा है यहां आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे, वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। बस अभी मैं इसका प्रॉमिस आई विल नॉट डिस्टर्ब बस मैं वाइफ को एक बता दूं ये बात नबी और प्रॉफिट्स में तुझे अंतर पता है वैसे डिफरेंस नबी इज लाइक यू कैन से अल्लाह राइट एंड प्रॉफिट्स उनके एक जो मैसेंजर्स हैं ओके ओके या जो ऊपर राह दिखाने आए जैसे जैसे गुरु नानक देव जी हैं राइट राइट यू कैन से या मतलब हमारे 10 गुरु हैं जो हमें सिखाते हैं तो वैसे हमें रास्ता दिखाने के लिए राइट राइट ओके यू गॉट इट नाउ या तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊंटों के जत्थे में से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में ये 100 कीमती गाड़ियां सैक्रिफाइस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माइल जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ बट यहाँ तक आई थिंक उनकी वाइफ को नहीं पता था कि ऐसा होने जा रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट उनको नहीं पता था अगर पता होता मे भी मुझे लगता है ऐसा नहीं होता मुझे ऐसा लगता है बट ऐसा सुना है कि पहले ये जो था ना माय गॉड नहीं क्योंकि इसकी लेके अगर स्टोरी बात करें मे भी फातिमा की बात करनी पड़ेगी उनको पता था ये चीज राइट ओह माय गॉड
मैं उनकी बताऊंगा उनकी यस स्टोरी, तुझे हाँ तुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा अब अभी रवाना नेक्स्ट हो वीडियो में गए। अल्टीमेटली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे, तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत यस हाजरा यस के आई पास रिमेम्बर एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। सॉरी, तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे हजार बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया Impossible. तो सीधे Impossible. उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में भी कंकड़ी। गाइस ओह माय गॉड, दिस इज न्यू, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। गाइस कमेंट बताएं ये जगह कौन सी है जहां पत्थर मार, कमेंट से बताएं जगह कौन सी है प्लीज, हां जल्दी बताएं। मारते हैं अभी और ये अभी, हज अभी, के अभी, अहम अरकानों। ओके ये तो नहीं मुझे समझ नहीं आएगा, में से प्लीज एक कमेंट में। शैतान कमेंट, के जाने के बाद प्लीज, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है, आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर ना जाएं। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली, और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जुबा हुआ हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की, आपका ये इम्तिहान कयामत तक। ट्रस्ट मी गाइस, लाइक अब मानोगे नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं मानोगे नहीं मानोगे, मेरे नीचे से ना पैर से लेके अंदर था ना ऐसे, मतलब बीच बीच में ना ऐसे 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 छोटे से काट तो हो रही है। कर लिया कम ऑन, लाइक अभी अभी आप सोचने की बात है कि सब कहानी सुन रहे हो, बट आप उस मूवमेंट को एक बार करके देखो, अपने आपका खुद का बेटा सोच के देखो इस चीज के बारे में, लाइक आपके हाथ पैर काम शुरू हो जाएंगे अभी, कभी भी नहीं कर आज के टाइम में, सोच के डर जाएगा बंदा, लाइक कम ऑन मैन, दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल स्टफ, याद रखा जाएगा सीरियसली। और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है खुद के लिए, फैमिली के लिए, दूसरा है गरीबों के लिए, तीसरा है अपने रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, राइट। दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है, राइट। और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। Come on, man, I'm आपको learning, ये I'm पता learning. होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक जरिया है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड हेल्प अदर्स। हज के इन 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है, इसलिए हज के इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस ईद के मौके पर आई हैव पार्टनर्ड अप विद केटो,
टू हेल्प पीपल इन नीड। केटो एक ऐसा फंडरेजिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने। ओके सो गाइस फर्स्ट थिंग प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, मुझे भी और रमसा सुल्तान को भी, बिकॉज जो नेक्स्ट भी वीडियोस आने वाली हैं सारी प्रॉफिट्स की ही स्टोरीज आएंगी बाय रमसा सुल्तान, तो उस पर हम रेट करेंगे। आपको देखा कितना शी इज टैलेंटेड राइट, कितने अच्छी तरीके से समझाया। अब मुझे लगता है मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, नहीं अब नहीं, अब तो मैं नहीं भूलूंगा, बिकॉज थिंग लास्ट वाला मुझे समझ आ गया। हम ऐसी वीडियो देखते थे कि उससे फोटो लगी होती थी बीच में, बंदा कोई बताता था तो लाइक वी ट्रस्ट हिम, बट लाइक थोड़ा बहुत चीज नीचे हो जाती थी, बट ऑब्वियसली नाउ आई कैन सी हर, आई कैन ट्रस्ट हर राइट, जो उन्होंने बताया। और भाई मुझे देखो ऑलमोस्ट सही था, मैं जितनी मैंने चीजें बताई आज मैं सही था एंड आई एम प्राउड ऑफ दिट। और पहले मैं सही बता रहा हूँ, कुछ साल पहले यूट्यूब से पहले मुझे भी लगता रहा ईद कितना मतलब अजीब सेलिब्रेशन लगी, जानवरों की मतलब जानवरों को मार रहे हैं, बट द थिंग इज भाई जहाँ पर डेली मरते हैं, डेली KFC में करोड़ों मुर्गे मरते हैं डेली करोड़ों, ठीक है, बट उस टाइम कोई कुछ नहीं बोलता, बट ये एक ऐसा एक होता है कि जहाँ गरीब लोगों को भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता है, दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन सी राइट, दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके आई थिंक वो उस पाप को वो उस पुण्य में कन्वर्ट हो जाता होगा, पाप नहीं है राइट, लाइक आई थिंक मीट खाना पाप नहीं, खाना नहीं, जब हम एक जानवर को मारते हैं वो भी तो एक पाप ही लगा ना, बट वो कन्वर्ट हो जाता होगा पुण्य में, क्योंकि हम लोग गरीबों को खिला रहे हैं उस चीज को, और कल फिर मिलते हैं एक नई प्रॉफिट की स्टोरी के साथ। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।